हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जो एथनिक वेयर में अगर जो टंगी आता है बाहर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आज है कि उसके लिए हम थोड़ा सा स्मार्टली गारमेंट को पहनेंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे। हमारा टंगी बाहर है, उसको हम अंदर नहीं कर पाएंगे, बट हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि हमारा टंगी नहीं दिखेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, फैब्रिक चूज़ करते टाइम में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको एक तो फैब्रिक थिन नहीं लेना है। अगर आपने थिन फैब्रिक लिया तो उससे आपकी बॉडी की शेप दिखेंगी, बल्जेस दिखेंगे, टमी दिखेगा। तो आपको जो फैब्रिक है थिक लेना है। फैब्रिक थिक होगा एंड देन आता है कलर्स। आपको बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स नहीं लेने हैं, आपको डार्क कलर्स पहनने हैं। डार्क कलर्स आप इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आप पतले हो, तो आप टमी को हाइड करने के लिए डार्क कलर्स पहन सकते हैं। एंड अब आते हैं स्ट्राइप्स पे। अगर आप स्ट्राइप्स पहनना है तो आप हॉरिजॉन्टल तो कभी मत पहनिए। हॉरिजॉन्टल में आप लगोगे ब्रॉड या फिर आप मोटे लगोगे, तो आपको हमेशा स्ट्राइप्स पहननी है वर्टिकल। ध्यान में रखना है कि अगर आपको कभी स्ट्राइप्स पहननी है तो आपने वर्टिकल पहननी है। एंड प्रिंट्स, कोशिश करिए कि आप प्रिंट ना ही पहने तो बेटर है। इन केस आपको प्रिंट पहनना ही है तो आप छोटा छोटा प्रिंट पहन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्रिंट को आप यूज़ करोगे तो आप थोड़ा सा स्लिम लगोगे। अदरवाइज़ अब गलती से भी बड़े प्रिंट तो मत ले लीजिएगा। अगर आप बड़े प्रिंट लोगे तो आप बहुत मोटे लगोगे। तो ये थे हमारे कुछ नॉर्मल पॉइंट्स फैब्रिक को लेके। अब हम बात करते हैं फिटिंग्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी गारमेंट की फिटिंग कराई, उसको स्मार्टली कराना होगा। ना तो आपको बहुत ज़्यादा लूज़ कराना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट कराना है। अगर आप लूज़ कराओगे तो वो एकदम ही लूज़ लगेगा, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लगोगे। और अगर आपने टाइट करा ली तो आपके जो बल्जेस है, जो आपका टमी है, वो सब बाहर दिखेगा। एक तो नॉर्मल फिटिंग करानी है आपको। अगर आप अनारकली टाइप से कुछ ड्रेसेज में, क्या होगा कि आपके बस्ट से वेस्ट तक वो टाइट होगी, वेस्ट आपका सबसे पतला एरिया हो गया, तो वो वाली शेप आपकी प्रॉपर निकल के आ जाएगी। एंड उसके बाद में वो पूरा लूज़ होगा एंड फ्लेयर के साथ में होगा। तो जो फ्लेयर वाला एरिया होगा उसमें आपका टमी भी हाइड हो जाएगा एंड उस ड्रेस का तो लुक ही ये है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं कि फिर बॉटम को टाई कैसे करना है। बॉटम आप ना तो बहुत ज़्यादा नीचे टाई करोगे, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर टाई करोगे। तो ना हाई ना लो, आपको रखना है सेंटर में। जो आपका नेवल वाला एरिया होता है आपको वहीं पे टाई करना है, क्योंकि अगर आपने ऊपर टाई किया तो जो सलवार की जो गैदर्स होती हैं उनसे आपका टमी और मोटा लगेगा। एंड अगर वो प्लेन भी होगा तो भी वो टमी है ना एकदम नीचे निकल के आ जाएगा पूरा, और अगर आपने नीचे किया तो वो टमी ऊपर दिखने लगेगा पूरा, तो वो आपको मोटा दिखाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एकदम नेवल के लेवल पे करना है। अब आते हैं साड़ी। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, तो ब्लाउज़ पहनते टाइम पे उसको थिक फैब्रिक का ब्लाउज़ लेना है। एंड जो ब्लाउज़ है उसको शॉर्ट लेंथ में मत नहीं कराना है, आपको करानी है थोड़ा सा लॉन्ग। टॉप टाइप से बनवा सकते हो, शर्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर पैपलम जो टॉप्स होते हैं, पैपलम ब्लाउजेज होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें पैपलम में एक पैपलम का लुक ही ऐसा होता है जैसे कि आपका टमी हाइड हो जाएगा एंड वो स्मार्ट भी लगेगा। साड़ी के साथ में अगर आप श्रग्स पहनोगे तो भी आपका टमी हाइड हो जाएगा। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैकेट्स, कि अगर आपने जैकेट पहनी तो जैकेट से भी आपका टमी हाइड हो जाएगा। और अगर आपके पास श्रग या जैकेट कुछ भी नहीं है तो आपके पास नॉर्मल जो ड्रेसेस होती हैं या शॉर्ट कुर्ती होती हैं, तो आप वो ट्राई करके देखिए, वो भी स्मार्ट लगेंगी एंड आपका टमी भी हाइड हो जाएगा। अब आते हैं लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना। तो इस पे जैसे कि स्लीव्स के साथ में, आप एक तो स्लीवलेस आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, आपको स्लीव्स पे कुछ डिफरेंट टाइप से वो देनी, एम्ब्रॉयडरी दे सकते हो आप। एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हो गई, या फिर थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक की स्लीव्स आ गई, या फिर स्लीव्स का ही डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, बेल स्लीव्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव्स आते हैं, वो स्लीव्स के आप ब्लाउज़ पहन सकते हो। ये तो हम ब्लाउज़ के साथ में अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे, या फिर कोई भी गारमेंट था उसके साथ में कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा जैसे कि ज्वेलरी पहन सकते हैं, तो आप कोई हैवी ज्वेलरी पहन सकते हो। अगर आपका पूरी ड्रेस प्लेन है या नॉर्मल है तो आप एक हैवी ज्वेलरी पहनोगे, जिससे कि आपका सभी का ध्यान जाएगा आपकी ज्वेलरी पे। एक और चीज़ कर सकते हो कि आप साड़ी के ऊपर बेल्ट लगा सकते हो, कि साड़ी को आप लेंगे एंड जो आपका वेस्ट से
नीचे वाला एरिया होता है आप उस पर बेल्ट लगाओगे एंड नीचे साड़ी की लेयर आ जाएगी, तो टमी किसी को नहीं दिखेगा, और जो जहाँ पे बेल्ट का एरिया आ रहा था वो एकदम वैसे वेस्ट के नीचे सबसे पतला एरिया होता है, तो वो वाला आपका लुक लगेगा कि आप इतने ही स्लिम हो। बेल्ट वाला स्टाइल आप सूट के साथ भी दे सकते हो, कि सूट का जो दुपट्टा आ रहा है उसको आप आगे ड्रेप करिए, या फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेप करके आप बेल्ट दे सकते हो वेस्ट एरिया पे, वो भी आपको पतला लुक दिखाने में हेल्प करेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं एथनिक वेयर पहनते टाइम, ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगे कि हमें पतला दिखाएं या हमारा टमी ज़्यादा ना दिखाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।